अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकेश कुमार चावला है और आई बिलोंग टू पाकिस्तान सिंध एंड आई लिव इन सिटी ऑफ कराची। गाड़ियों का शौक़ हमें 90s में शुरू हुआ जब यहाँ एक घारों में ऑटो क्रॉस का ट्रैक बनाया गया था। तो इधर से घारो अराउंड 40 किलोमीटर्स दूर है ठठा साइड पर, तो उधर ऑटो क्रॉस का ट्रैक बनाया गया था, आगा साहब ने बनाया था। तो उसकी हर साल चैम्पियनशिप होती थी, ये 90s अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन दिनों में ऑटो क्रॉस एक नई चीज़ हमें दिखने को आई, तो हम अपनी नॉर्मल ये जो सिविक उनको टोटली थोड़ा प्रिपेयर करके जाते थे, अच्छे हैवी टायर्स डालकर साइलेंसर वगैरह बनवा कर। शुरू शुरू के दिन थे, शौक था, इतनी नॉलेज नहीं थी इस बारे में हमें। मगर जब हमने ऑटो क्रॉसिंग शुरू की तो उसमें क्या होता है कि रोड का एक ट्रैक बना हुआ है जिधर कॉन्स रखे हुए होते हैं, और उन कॉन्स के बीच में से आपको कॉन्स को बचाते हुए आपको वो ट्रैक कंप्लीट करना होता है। तो उसकी टाइमिंग होती है और उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, 1300 cc, 1600 cc, 2000 cc या ऑनवर्ड्स। तो फिर वो पूरे साल का एक 10 रेसेस होती थी, फिर उसमें चैम्पियनशिप पॉइंट्स दिए जाते थे एंड बेस्ट ड्राइवर फिर अवार्ड होता था। वो फिर लेट 90s में ट्रैक बंद हो गया, उसके बाद रोडों पर गाड़ियां भगाना शुरू कर दी, ड्रैग रेसिंग शुरू कर दी। 2005 में पहली बार झल मक्सी रैली इंतकार की गई कि उसकी एक स्टार्ट हुई। जब 2005 में हम गए उधर रैली देखने के लिए तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, ट्रैक था जिधर एक पूरा रेसिंग सिटी बनी हुई थी, जिधर कैंपिंग वगैरह का शौक भी जो था वो भी पूरा हुआ। ट्रैक देखा, बहुत अच्छा ट्रैक था, मतलब आई से वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स ऑफ पाकिस्तान सो फार आई हैव सीन। पहले साल 2005 में रेस देखी, रेस की नहीं। 2007 में पहली बार हमने पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह अभी तक ये जो अभी आखिरी रैली हुई है 15 दिसंबर को, इसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया और कंटिन्यूस जाते रहे। और साथ ही साथ चोलिस्तान भी, मिट्टी भी, ग्वादर भी और थल भी। तो अभी माशाल्लाह जो रेसिंग का एक एटमॉस्फेयर, ऑफ रोड रेसिंग का एक एटमॉस्फेयर पाकिस्तान में बहुत अच्छा बन गया है, जिसमें इंटरनेशनल ड्राइवर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ईरान से भी ड्राइवर आते हैं, टर्की से भी ड्राइवर आते हैं, बुरचू भी आई थी लास्ट टाइम। तो इट्स बिकमिंग फन बट इट्स बिकमिंग टफ ऑल्सो नाउडेज, क्योंकि जैसे अपग्रेडेशन ऑफ कार्स की शुरू हो गई है जीप्स रैली जीप्स की। क्योंकि मुझे याद है जब 2005 में हम आए थे पहली बार गाड़ी भगाई थी, तो सिंपल 3-डोर रैफ 4 थी हमारे पास, और उसमें हमने नॉर्मल ARB के शॉक्स लगा कर उसी में ट्रैवल करके कराची से आए थे, उसी में रेस की और उसी में हम वापस गए थे रेस जीत कर माशाल्लाह। तो अब जो है अब हाई एंड पर चली गई हैं चीज़ें, जैसे हैवी सस्पेंशंस, हैवी इंजन्स, यू नो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे मैं बेसिकली सी कैटेगरी में भगाता हूँ और मैंने जो शुरू शुरू में गाड़ी पहली बनाई तो वो वीगो थी, 2.5 वीगो। तो अभी भी मैं उसी कैटेगरी में रेस कर रहा हूँ, और अभी रिसेंटली भी मैंने अमेरिका से टकूमा मंगाई जो टोटली तैयार हो गई है एंड इट्स टोटली मॉडिफाइड कार। उसमें उसका इंजन भी अलग बनवाया है एंड टर्बो उसको किया हुआ है एंड प्लस उसकी फॉक्स की जो हाई एंड सस्पेंशन है वो भी उसमें लगाई हुई है, और वो इंशाल्लाह उसको चोलिस्तान में भगाने का मेरा शौक है जो अभी फरवरी में आ रही है। उसके बाद ये रैलिंग तो चल रही है, फिर 2010 में हमने एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स ने वापस ऑटोक्रॉस लॉन्च किया कराची में CBU साइट पर पार्किंग लॉट में। वो भी तकरीबन 5 साल चली और बड़ा मज़ा आया उसमें, क्योंकि उसमें अब 2010 में जब ये शुरू हुआ तो माशाल्लाह नॉलेज गाड़ियों की इतनी बढ़ गई थी हमारी कि हाई एंड कॉयल स्प्रिंग्स, हाई एंड टायर्स, स्लिक टायर्स, हाई एंड चीज़ों पर चले गए, और उसमें भी प्रिपेयर्ड और स्टॉक कैटेगरीज की गाड़ियाँ चला रहे थे हम। ऑटो क्रॉस एक्चुअली एक ऐसी बेसिक चीज़ है, अगर बंदा ऑटो क्रॉस को प्रॉपर समझ ले कि कॉन्स के थ्रू कैसे टर्न्स लिया जाए, कौन सा टर्न कितने हाई एंड स्पीड पर लिया जाए, तो आपकी ड्राइविंग ऐसा समझे 100% इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि रैलिंग और ऑटो क्रॉस आपस में लिंक्ड है। ऑटो क्रॉस में आपको पता चलता है कि कौन सा कर्व कितनी स्पीड पर आप ले सकते हैं, उससे फिर आप रैलिंग में सीखते हैं कि शेविंग कैसे करनी है, कि अगर एक बहुत बड़ा टर्न है तो उसको शेव करके आप अपने सेकंड्स कैसे बचाते हैं। तो आई थिंक बेसिक ऑटो क्रॉस इज़ अ मेन बैकबोन फॉर अ ड्राइवर टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। क्योंकि ऑटो क्रॉस से आपको एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और दूसरा आप अपनी गाड़ी के नेचर को भी बहुत अच्छा समझ जाते हैं, और आप टेक्निकली
बहुत सीखते हैं, क्योंकि अगर आपको जब 5 राउंड मिलते हैं, 5 राउंड में से आप इम्प्रूव करते जाते हैं, और आप उन 5 राउंडों में कहीं कहीं मिस्टेक्स भी करते हैं। जैसे कहीं अगर 1 राउंड में आपने एक कोन को पीछे से आपकी गाड़ी टेल करती है, आपने उसको गिराया, तो आपको नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को उसी तरीके से इम्प्रूव करके उसको स्लाइड करते हुए जाना। तो आई थिंक ऑटो क्रॉस अभी जैसे रेसिंग ट्रैक इधर कुरंगी में भी बन रहा है, जिसमें अभी गो कार्टिंग भी शुरू होगी और सुना है ऑटो क्रॉस भी शुरू हो रही है। मैं तो जिनको शौक है इंस्टेड ऑफ मतलब गाड़ियां रोड पर भगाने के, अपने मतलब इतना डेंजर चीज़ लेने के, मैं तो एडवाइस करूंगा कि वंस ये ऑटो क्रॉस ट्रैक खुले, यंग जनरेशन जिसको गाड़ियां चलाने का शौक़ है, सीखने का शौक़ है, वो आए इधर, देखे, पार्टिसिपेट करे। उससे काफ़ी चीज़ें आपकी ड्राइविंग भी इम्प्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, और क्या पता यू नो अल्लाह करे कि पाकिस्तान का कोई ऐसा अच्छा ड्राइवर निकल आए जो आगे चल के फॉर्मूला 1 में भी पार्टिसिपेट करे और नाम रोशन करे, क्योंकि टैलेंट बहुत है हमारे पास। ऑटो क्रॉस मैंने पहली बार की थी कल्टस में, सुजुकी स्विफ्ट गा जो होती थी उसमें, क्योंकि वो बहुत एक सुजुकी स्विफ्ट वॉज अ वेरी गुड हैंडलिंग कार। और उसके बाद GLI आई, GLI में हम आ गए 1600 CC, उन टाइम पर नई निकली थी 90s में। उसके बाद जब कुछ टाइम बंद रहा, अभी जैसे ही शुरू हुआ तो MRS, टोयोटा MRS इज़ अ मिड रेयर इंजन एंड इज़ अ ब्यूटिफुल हैंडलिंग मशीन। MRS को चलाने का जो मज़ा, इज़ अ 2-सीटर, उससे ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग कार मैंने आज तक नहीं चलाई है। तो उसको हमने प्रॉपर शॉर्ट शिफ्टर्स, मफलर्स, सूप्ड अप, एवरीथिंग पूरा सूप्ड अप किया हुआ है विद प्रॉपर टायर्स, कॉइल ओवर्स, उसकी मतलब ऐसा समझे कि ज़मीन से 3 इंच टोटल वो उठी हुई है, ऐसा मिनी गो कार्ट बेसिकली। तो ऑटो क्रॉस में मेरी जो फेवरेट गाड़ी है MRS है, जो अभी तक मेरे पास है। उसके बाद ईवो 10 भी मैंने ली, इट्स अनदर ब्यूटिफुल हैंडलिंग मशीन, और सो ऑन। फिर तो शौक़ की बात है, गाड़ियाँ माशाल्लाह काफ़ी लाइनअप रखा हुआ है, पोशेज रखी हुई हैं, मज़दा RX-8 इन 90s, आई रिमेंबर कि मज़दा RX-7 आई वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग इट टू पाकिस्तान, जिसको मुझे याद है कि हमने फरारी के साथ ड्रैग रेस लगाई थी, एंड वो क्लिप्स अभी तक मेरे पास है, बीटिंग द फरारी विद RX-7 इन अ स्ट्रेट ड्रैग। इट वॉज अ ऑसम टाइम इन 1998 आई थिंक ये बात है। खैर अभी तो काफ़ी चीज़ें मॉड हो गई हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ आ गई हैं, तो ऑटो क्रॉस के लिए आई थिंक परफेक्ट कार इज आइदर ईवो 10 और टोयोटा MRS 2-व्हील। देखिए जी, इधर मेरे साथ बड़ा ये 2 किलोमीटर्स का ट्रैक था, तो टोटल 5 चैम्पियनशिप्स हुई थी। पहली चैम्पियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बाकी 4 में किया था। तो लास्ट रेस पर मेरे और अशरफ भाई के पॉइंट्स सेम थे, एंड आई रिमेंबर लास्ट राउंड तक मैं अशरफ भाई को बीट कर रहा था लास्ट रेस में। जब वो आखिरी राउंड में गया है, उसने बाय 0.1 सेकेंड मुझे बीट करके पूरे साल की चैम्पियनशिप ले ली थी। फिर सेकेंड ईयर जब आई तो एक हमारे शाह साहब हैं, उन्हीं के साथ भी वही कंपटीशन रहा, और उसने भी मेरे साथ लास्ट रेस में वही किया जो अशरफ भाई ने किया था। फिर बाकी दो आखिरी जो टर्म्स थे, 3rd एंड 4th, उन दोनों ड्राइवर्स को मैंने बीट किया। तो ओवर द ईयर्स ड्राइविंग इम्प्रूव हुई हमारी, ओवर द ईयर्स आई लर्न, एंड ये जो एक्सट्रीम वाले ट्रैक बनाते थे उसमें एक्सपर्टीज, एज अ फेमस ड्राइवर असद खोड़ो, ही वॉज द मेन रेस डायरेक्टर, मंसूर हलीम, मोहम्मद यूनस, ये सारे एक्सपीरियंस लड़के, और दे आर बेसिकली बोलें तो लाइक नादर मक्सी इज़ लेजेंड, लिविंग लेजेंड फॉर रेस इन पाकिस्तान। तो सो इज़ असद खोड़ो, सो इज़ मंसूर हलीम, सो इज़ रॉनी पटेल। तो ये यू नो लाइक जो हमारे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर्स, जिन्होंने टू बी ऑनेस्ट मेरे को रैली में लाने का और ऑटो क्रॉस में लाने का क्रेडिट गोज़ टू असद खोड़ो, क्योंकि मैं असद को ऐसी कंपनी देने के लिए घर हो गया था, देखा तो दूसरी बार मैं अपनी गाड़ी ले गया था, ऐसे ही कंपनी देने जल बक्सी में गया था उसको रैली देखने के लिए, देखा तो गाड़ी भगाई। तो बेसिकली मेरा उस्ताद ही बोल दें उसको आप ड्राइविंग में। लेकिन जी ऑटो क्रॉस जब मैंने चलाना शुरू की तो एक गाड़ी को टेक्निकली समझना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे रोड्स इतने वाइड नहीं हैं और वो चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि याद है हमें कॉलेज और स्कूल के टाइम पर जब गाड़ियां, तो कटिंग का बड़ा शौक होता था। तो ऑटो क्रॉस इज़ जस्ट लाइक कटिंग बेसिकली, कि हाउ यू कट कॉर्नर्स,
how you go through the cones. Or autocross se I felt personally, jo meri first ki trophy aayi Jhal mein, kyunki Jhal mein mashallah 2007 se chalata aa raha hu, to every race, kabhi third, kabhi second. Jis year maine autocross shuru ki, that is the time I won Jhal. That is the time I won Cholistan. Next year I won Jhal again. Next year I won Cholistan again. मैं तीसरे साल गाड़ी खराब हो गई थी झल में भी, but I came second. और Cholistan I couldn't finish the race because of, I think I had two flat tires or something. तो I think autocross always prepares you. Autocross आपको confidence देता है. और rallying ठीक है, it's a whole nine yards अलग चीज़ है. मगर autocross, when you understand your cars, when they make you understand your cars, so rally mein bhi you understand your car. Aap apni gaadi ka behavior jante hain. Jaise Vigos hum jab shuru mein chalate the, to us time par koi bypass shock nahi hota tha. To hamesha khyal karna padta tha ki Vigo piche se bahut phudukti thi, kyunki weightless thi. Uske baad bypass ka aaya time. Bypass lagaye to wo ek cheez hamari matlab control mein aa gayi. फिर हम फाइबर के डालों पर चले गए, फिर वो हमने उतारे, फिर हमने जेन्युइन डाले लगाना शुरू किए. इसी तरह आज के दिन पर देखें तो फाइव लिंक सिस्टम आ गया है वीगोस में, कमानी सिस्टम. अभी रिसेंटली बेसिकली मेरी गाड़ियां जो भी प्रिपेयर करते हैं नुसरत भाई करते हैं ATS से, एंड ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एंड बहुत अच्छा काम करता है. एंड नुसरत हिमसेल्फ वॉज अ वेरी गुड ड्राइवर इन ऑटो क्रॉस. He has been a champion also a lot of time. तो वो इस काम को समझता है, टेक्निकली भी समझता है. अभी रिसेंटली थैंक्स टू नादिर खान हमने एक एक्सपेरिमेंट किया वीगोस पर. इस रेस झल में मैंने जो चलाया, हमने टोटली कमानियों का सिस्टम ख़त्म करके इसको फाइव लिंक करके कॉयल ओवर्स पर ले आए, वीगो को पीछे कॉयल ओवर्स पर. तो इट वॉज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन पाकिस्तान. जो टिम हु केम फ्रॉम किंग्स लास्ट ईयर फ्रॉम अमेरिका, उसने वो सामान भेजा और ये हमने एक्सपेरिमेंट किया और माशाल्लाह सक्सेसफुली हो गया. तो अब मतलब जैसे दिन ब दिन टाइम आता जा रहा है, चीज़ें काफ़ी मॉडिफाई होती जा रही हैं, गाड़ियाँ काफ़ी मॉडिफाई होती जा रही है. पहले जैसे हम सिंगल शॉक पर आगे चलाते थे, फिर हमने ड्यूल शॉक का कॉन्सेप्ट किया, अब 3 इंच टोटल क्योस आ गया, टोटली गेम ही अलग हो गया है. पहले हमारा फ्रंट एंड बहुत अच्छा होता था, बैक एंड में इशूज़ होते थे गाड़ी के. अब बैक एंड इतना अच्छा आ गया कि अब हम सोच रहे हैं कि फ्रंट एंड को और कितना अच्छा करें. तो विद टाइम चीज़ें इम्प्रूव होती जाती हैं एंड यू लर्न विद टाइम. तो आई थिंक ओवरऑल इट्स गुड फन, शुड ऑलवेज ड्राइव सेफ एंड बी सेफ. देखिए जी, जब हम ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, रैली का एक अलग होता है, ऑटो क्रॉस का एक अलग होता है. ऑटो क्रॉस में यू आर नॉट अलाउड टू गो इन योर कार बिफोर द रेस स्टार्ट्स, बट यस यू आर अलाउड टू वॉक ऑन द ट्रैक, स्टडी द ट्रैक. आप स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा कॉर्नर किस स्पीड पर लेना है, क्या करना है. तो उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड, जो आप ट्रैक घूमते हैं, एक घंटा वॉक करते हैं, एक एक कोन को देखते हैं, एक एक जगह को देखते हैं, आप इमेजिन करते हैं कि मैं इस स्पीड पर आकर यूँ करके यूँ ले जाऊँगा. रैली में आप रेकी करते हैं, पूरे ट्रैक की रेकी करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप देखते हैं कि किधर कहीं खड्डा है, किधर कहीं जंप है, किधर कहीं क्या है, कि आपको कैसे ले जाना चाहिए गाड़ी को. तो ये पूरी एक 200 किलोमीटर की स्टडी होती है ट्रैक की, आपका नेविगेटर होता है आपके साथ. तो जब आप जिस वक्त रेस शुरू करते हैं, उस वक्त आपको पता है कि पहले 10 किलोमीटर तो टू बी ऑनेस्ट हार्ट बीट इतनी तेज़ होती है कि जब तक आप ट्रैक पर आ जाओ, क्योंकि Cholistan और झल में मैंने देखा है कि जब आप स्टार्ट पॉइंट पर होते हैं बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए होते हैं, तो आप वो एक टेंशन होती है कि अल्लाह ना करे कोई बंदा आ जाए सामने या कोई मोटरसाइकिल आ जाए सामने. जब तक 10-15 किलोमीटर बाद जब लोग ख़त्म हो जाते हैं, असल रेस तब शुरू हो जाती है, क्योंकि तब तक आप चार्ज्ड अप हो जाते हैं और आपने ट्रैक की स्टडी ऑलरेडी की हुई है 2-3 बार, तो आपको पता है कि आगे ट्रैक पर क्या स्पीड कैसे करना है. हाँ, एक चीज़ ये है कि आप जिस दिन रैकी करते हैं ट्रैक की सूरत कुछ और होती है, रेस वाले दिन आप इतनी हाई स्पीड पर होते हैं कि ट्रैक की सूरत कुछ और होती है. मगर इट्स गुड फन विथ एक्सपीरियंस एंड एवरी थिंग. पहली रेस, दूसरी रेस, कंफ्यूज होता है बंदा, और जब आप यूज टू हो जाते हो इस पर, तो आई थिंक एक बार जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो, 50% डिसीजंस आर नेविगेटर्स, 50% आर ड्राइवर्स. मगर मोस्टली मेरा नेविगेटर देता है, और जिस वक्त भी मैंने नेविगेटर की कॉल नहीं ली है, हमेशा आई एंडेड अप इन ट्रबल.
So I always rely on my navigator also, and plus driving is fun, so I enjoy driving. गाड़ियों का तो बचपन से शौक था ही था. पहली पहली मेरे को गाड़ी जो मिली थी सुजुकी SJ410 मिली थी, कन्वर्टेबल वाले साहब ने दिलाई थी. उसके बाद पोटो हार रखी काफ़ी टाइम. उसके बाद ऑल्टो भी थी मेरे पास, फिर स्विफ्ट. ऐसे करते करते तो अभी तो शौक है. मकान एस भी रखी हुई है मैंने पोशे की, बॉक्स्टर एस भी है मेरे पास. तो माशाल्लाह जीपों के साथ साथ गाड़ियों का भी शौक बहुत है. जहाँ तक एज फार एज सिंध गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर मोहम्मद बख्शमर बहुत एक्टिव लड़का है एंड वो खुद शौक रखता है इन चीज़ों का. आई हैव सीन हिज लाइन अप, ही इज़ गॉट अ गुड लाइन अप ऑफ कार्स. और वो हमेशा बोलता है कि मुकेश भाई लेट्स डू अ रैली इन सिंध. तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बड़ा शौक था कि मिट्टी में हम रैली करवाएं. पिछले 4-5 साल से बारिशें नहीं हुई हैं तो वो सिचुएशन अच्छी नहीं है कि हम जाएं उधर गाड़ियां बगाएं और यू नो एक ड्राउट आया हुआ है उधर. तो दुआए अल्लाह के से कि बारिशें जल्दी करवाए, क्योंकि मिट्टी एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ट्रैक है. मिट्टी इज़ नेचुरली जो ट्रैक है चोलिस्तान थल, इनसे कंपेयर करें तो आई थिंक मिट्टी इज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स वी कैन एवर फाइंड. मिट्टी में हमने 2-3 साल पहले रेस करवाई थी और वो हम कंटिन्यू करना चाह रहे थे. और गवर्नमेंट ऑफ सिंध मोहम्मद बख्शमर से मेरी बात हुई है और वी प्लान के दिस कमिंग मार्च थर पार्कर साइड पर शायद हम 150 किलोमीटर की रैली करवाएं. और एक बार अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंशाल्लाह उसको आने वाले वक्तों में उसका एक बजट रखेगी बजट बुक्स में और प्रॉपर ये एक इवेंट हर साल का बन जाएगा. तो एज़ फार एज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ कंसर्न, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ टेकिंग स्टेप्स टू प्रोवाइड एज मैनी फैसिलिटीज एज दे कैन टू द स्पोर्ट्स. ये बिल्कुल थर इज़ अ ब्यूटी बाई इट सेल्फ. एंड जब से थर कोल निकला है तो उधर के रोड्स, उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बन गया है कि जब एक चीज़ ये एडवर्टाइज होगी थर रेस तो डेफिनेटली कराची से 3-3.5 घंटे की ड्राइव है, सक्कर से 3-4.5 घंटे की ड्राइव है, हैदराबाद से 2-2.5 घंटे की ड्राइव है. तो आई थिंक एक बार ये इवेंट्स होना शुरू होंगे तो लोगों का शौक चढ़ेगा उधर आने का, तो जिससे टूरिज़्म को भी फ़ायदा होगा. एक लोगों को जो लोग बेसिकली थर को देख नहीं सके आज तक, तो एक घूमने का मौका भी मिल जाएगा उस इवेंट के थ्रू. तो आई थिंक इस काइंड ऑफ इवेंट्स बड़ा फ़र्क लाती हैं चीज़ों में. जैसे चोलिस्तान में आप देखेंगे रेस से एक दिन पहले और रेस वाले दिन आप लोग आते रहते हैं कि लाखों में लोग होते हैं, तो वो एक इलाके की तरक्की हो रही है. तो हमें भी उम्मीद है कि जब मिट्टी में रेसिंग शुरू होगी तो इंशाल्लाह उस इलाके ने तरक्की तो बहुत की है मगर इंशाल्लाह इस स्पोर्ट से और फ़र्क पड़ेगा. हमारे टाइम पर तो हमें फैसिलिटीज़ नहीं थी ट्रैक्स वगैरह की. वेल उस टाइम पर इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती थी तो रोड्स रात को 8-9 बजे के बाद खाली हो जाते थे. हम अपने आई स्टिल रिमेंबर के 2 तलवार का राउंड अबाउट हम 6-7 गाड़ियाँ जमजमा से भगाते हुए आते थे और सब 100-110 किलोमीटर्स की स्पीड पर उसके 3-3 चक्कर लगाते थे और बिल्कुल बम्पर टू बम्पर करते हुए. तो शौक था उन दिनों में सीखा, मगर अभी ट्रैक्स बन रहे, सेफ्टी कम्स फर्स्ट. मैं तो यंग जनरेशन को ये बोलूँगा सेफ्टी कम्स फर्स्ट. तो जो ये ट्रैक ऑटो क्रॉस के बन रहे, गो कार्टिंग के बन रहे, आप उधर आएँ, गाड़ी चलाएँ, अपने शौक पूरा करें. एंड इफ़ यू फील कि आपको इस शौक को कंटिन्यू करना है, सेफ्टी इज़ देयर, सेफ्टी मेजर्स आर देयर, तो यू विल लर्न एंड आई थिंक यू विल बिकम अ बेटर ड्राइवर. सो आई माई सजेशन एंड माई मैसेज टू द कमिंग जनरेशन वुड बी वी हैव द फोरम्स, वी हैव द फैसिलिटी, कम एंजॉय योर सेल्फ ओवर देयर, ड्राइव सेफ एंड बी सेफ. पाकव्हील ने ज़िंदगी आसान कर दी है हमारी गाड़ियाँ खरीदने बेचने में. ये जो ईवो 10 मैंने लिया ये भी पाकव्हील्स के थ्रू मैंने देख कर ली थी. तो आई थिंक यू गाइज आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर.